दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज नेशनल हेरोल्ड केस के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की वह अपील खारिज कर दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि एजेएल को 2 सप्ताह के अंदर आईटीओ स्थित परिसर को खाली करना होगा, इसके बाद सार्वजनिक परिसर कानून 1971 के तहत कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस अपील में 56 साल पुरानी उसकी लीज समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने 30 अक्टूबर को आदेश को चुनौती दी थी। आदेश में केंद्र और भूमि एवं विकास कार्यालय ने कहा कि पिछले कम से कम 10 सालों से परिसरों में कोई भी प्रेस नहीं चल रहा और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है जो लीज के नियम का उल्लंघन है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सुनील गौर ने एजेएल की याचिका पर 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने पिछली तारीख पर केंद्र से पूछा था कि परिसर में फिर प्रवेश करने के पीछे अब क्या स्पष्टीकरण है जब नेशनल हेरोल्ड का प्रकाशन शुरू हो चुका है। बता दें केंद्र और भूमि विकास कार्यालय ने अदालत को बताया कि पुनः प्रवेश का नोटिस जब जारी किया गया था जब उसने 2016 में कार्रवाई शुरू की थी और जब कोई मुद्रण या प्रकाशन की गतिविधि नहीं हो रही थी। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।